ओके जय सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया आपको और आपके फैमिली मेंबर के सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी थैंक यू सो मच हम देख रहे हैं कितने एक्साइटेड हैं आप पहले तो गणपति बप्पा को लेकर वेरी एक्साइटेड बिकॉज डेढ़ दिन के गणपति हैं और फर्स्ट डे पे आपको जो ना गणपति की सेवा करवाते हैं बट यू रियली एक्साइटेड यू नो वे जब गणपति आते हैं तो घर भरा भरा लगता है यू हैव योर फ्रेंड्स ओवर रिलेटिव्स एंड ऑल एंड एक चीज़ जो उनकी होती है करने में बड़ा मज़ा आता है ना डेकोरेशन इनका डिटेलिंग फिर घर का पूरा माहौल सेट करना सो इट्स वेरी गुड एंड द एटमोसफियर इज़ फुल वाइब्रेंट वेरी पॉजिटिव वेरी वार्म सो या आई लाइक इट सो जी डेकोरेशन की बात हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा डेकोरेशन अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या क्या आपने इसमें से तैयारियाँ की मैंने सही बोलूँ मैं शूटिंग में बिजी था तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाया बट पूजा जो मेरी वाइफ है उसने सब कुछ किया है लाइक पूजा मैंने तो मतलब फोन पे बात की है डेकोरेशन का सारा क्रेडिट ये आपको दे रहे हैं तो कुछ अगर आप बताना चाहें कि कैसे कैसे क्या क्या तैयारियां हुई हैं क्या क्या किया है ये सब जो आप देख रहे हैं वो मैंने और मेरी बहन ने ऊपर चढ़ चढ़ के किया है और हाँ मतलब पापा ने करवा दिया है ऐसे कुछ एक और है इन्होंने ये मेरी साड़ी है इन्होंने भी पूरा डेकोर किया है और मैं शूट पे था शूट वैसे आया सो ये लोग ऑलरेडी कर रहे थे और फिर मैं थोड़ा एक दो घंटा सो भी गया सो उठ के देखा तो इट वाज ऑल रेडी एंड प्रिपेयर्ड सो द क्रेडिट गोज टू दिस टू लवली लेडीज पूजा जी एंड यू आपका नाम मैडम रीना पूजा जी यू जय बहुत ही एक्साइटेड है बप्पा को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हैं गणपति बप्पा को हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है वी आर ट्रीटिंग हिम लाइक आवर किड मतलब एक बच्चे जैसे उनको सब कुछ उनका ध्यान रखना पड़ता है घड़ी घड़ी उनको सब चढ़ाना पड़ता है सो इट इज़ मतलब उनके लिए बहुत खुशी की बात है इट्स वेरी फर्स्ट टाइम नो इन माई एट माई प्लेस सो थोड़ा नर्वस भी है कि कहीं कोई उसके रिचुअल्स हैं वो मिस ना हो जाए एंड मतलब यू सी जो मूर्ति है मतलब इतने हंसते रहते हैं हमेशा आई फील लाइक सो मतलब इज ऑलवेज गिगलिंग द गणपति सो या और आप कुछ कहना चाहते नहीं और घर का माहौल हम देखते हैं कि हमेशा बहुत ही खुशनुमा रहता है और घर में ढेर सारी पकवान भी बनती तो आप लोगों ने जय पहले तो आपसे जाना है क्या क्या बनाया मैं तो मेरा डाइट बहुत स्ट्रिक्ट है बट फिर भी आज के दिन मैंने डाइट छोड़ा हुआ है पकवान मतलब मैंने कुछ अलग सोचे इस बारी नहीं एक्चुअली जीजू ने नहीं छोड़ा है नहीं आज के दिन तो मैंने खा ही लिया था बट फॉर दिस थिंग खाने के लिए मैंने देखे ऑलवेज इट्स वेरी हैवी स्टफ जो लोग आते हैं वो ऑलरेडी भर पेट होते हैं कि नहीं नहीं खाते हमारा फुल गुजराती लैविश मील होता है वो बनाया है सब मतलब फरसान मिठाई शीरा फॉर इवनिंग आपने सब बनाया ये सब नहीं मतलब हेल्प होते हैं बट मैंने नहीं बनाया बट हाँ इवनिंग क्या होता है ना मैंने मतलब चाट रखा है बिकॉज आई थिंक हम सबको चाट बहुत अच्छी लगी सो ऑल माई फ्रेंड्स हु हैव कम टिल नाउ उतरे यार चाट बहुत अच्छी है तो कितना भी भर पेट हो सब मिठाई नहीं बट यहाँ पे चाट रखी है मैंने सिर्फ पानी पूरी रखा पेंडिस भेल एवरीथिंग सो इट्स वेरी माउथ वाटरिंग सो लोग आते हैं भले ना नहीं खाएंगे बट सब खा ही लेते हैं सो वेरी हैप्पी कि लोग आते हैं तो खाना खा के जाते हैं आपसे जानना चाहेंगे कि पापा से ऐसी कोई विश है जो आप करते हैं कोई ऐसी कामना वी जस्ट विश दैट वो हमको खुश रखे और हैप्पी रखे हमेशा वी आर ऑलवेज जॉयस एंड हम हमारे घर पे हमको इतनी ताकत दे कि हम उनको हर साल बुलाएं एंड वी डू उनकी सेवा कर सके वी वांट लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस लव वेल्थ वी विश फॉर अस एंड फॉर एवरीवन सो वही बप्पा सबकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए काम लेके आए पैसा लेके आए गुड हेल्थ सो या लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस गणपति बप्पा मोरिया थैंक यू मतलब मेरे पिता की
हमारे Yeah.